नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 26 अगस्त 2021 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है गुरुवार का है, कृष्ण पक्षी चतुर्थी है, नक्षत्र रेवती है, योग गंड है, दिन का जो कलर करण है वो बाल है और जो रात का जो करण है वो कौवल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:17 से लेकर 10:53 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:52 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ काल अवधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हो, महत्वपूर्ण या फिर शुभ काम है उसका आरंभ भी कर सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2:03 से लेकर 3:49 तक। यमकंड काल शाम सुबह 6:07 से लेकर 7:42 तक का होगा। राहु काल और यमकंड काल अशुभ काल अवधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम शुरुआत नहीं करना या फिर महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं लेना। आज के दिन किसी भी प्रकार का चंद्रमा के साथ योग किसी और अन्य ग्रह का नहीं हो रहा है, उस प्रकार ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन मीन राशि में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के वेय भाव में चंद्रमा का भ्रमण होने जा रहा है। तो आज का जो दिन है आपके लिए नॉर्मल रहेगा, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन आपको नहीं आएगा। अगर कोई स्ट्रेस छोटा बड़ा भी आता है तो सिर्फ उसके कोई बहुत बड़े परिणाम या फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक ऐसे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले, तो उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के लाभ मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। तो आज के दिन आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं घूमना फिरना हो सकता है। इसी प्रकार आज के दिन आपको कुछ अच्छे प्रत्यक्ष लाभ वगैरह मिलने की भी संभावना काफी ज्यादा बनती है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ गपशप हो सकती है, उनके साथ बातचीत हो सकती है, उनसे आपको कुछ अच्छी सलाह आज के दिन आप मिल सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण होने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार आपके काम की अच्छी एप्रिसिएशन भी हो सकती है। अगर आपका कोई बिजनेस है और वो आप फैलाना चाहते हो तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। तो आज के दिन अगर आप कोई नई योजना पर काम करना चाहते हो, कोई नई निर्णय वगैरह लेना चाहते हो जो कि आपके आपकी जो भावी जो आने वाला जो समय है उसके लिए होगा या फिर आपके करियर के बारे में होगा, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी होने की संभावना बनती है। उसी प्रकार आज के दिन आपका घूमना फिरना भी हो सकता है। आज का जो दिन है उसमें आप किसी भी प्रकार के नए काम शुरुआत कर सकते हो, लकी डे आपके लिए साबित हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। तो आज के दिन दो तीन बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी को प्रोमिसेस करना, कमिटमेंट करना, ये बात आज के दिन बिल्कुल नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत के ऊपर भी ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण आज के दिन देखा जा सकता है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनसे आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है, या फिर उनके लिए आज के दिन आपको खर्चे वगैरह भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो सकारात्मक रूप से उसके जो परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद आज के दिन मिल सकते हैं। खास करके जो महिला कर्मचारी है
उनसे आपको आज के दिन काफी अच्छी मदद मिल सकती है। जो तुला राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए भी आज का जो दिन है काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार अगर कोई नया काम या फिर आपके फ्यूचर के बारे में कुछ नए जो काम है वो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो भी आज का जो दिन है आपके लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, तो आज के दिन आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आज आपकी हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आज के दिन आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की भी संभावना काफी ज्यादा बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं घूमना फिरना हो सकता है। उनके साथ आज आपके हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई भी काम है तो आज के दिन आप ले सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे वो आपके साथ काफी अच्छी तरीके से पेश आएंगे और उनसे आपको काफी अच्छी मदद भी मिल सकती है। आपके जो रुके हुए काम है वो भी आज के दिन आपके बनते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से आपका जो मूड होगा वो भी काफी अच्छा दिखाई देगा। कुछ अच्छे लाभ या फिर इन्वेस्टमेंट आज के दिन आपकी हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है, तो आज का जो आपका मूड होगा वो काफी अच्छा देखा जाएगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर कुछ अच्छे अनुभव आज के दिन आपको आ सकते हैं। अगर आप नई नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आज कुछ नए अगर या फिर रिस्क लेते हो तो भी वो आज के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। आज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 26 अगस्त 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।